So the first question we have, sir, is from Viren. Viren has asked, sir, ki, what are the long-term side effects of COVID vaccine? There is a lot of sir, stuff floating around WhatsApp. कोई बोलता है अच्छा है, कोई बोलता है खराब है, कोई बोलता है पूरे बीमारों के मर जाओगे, नॉर्वे में 23 लोग मर गए. सो देर इज अ लॉट ऑफ फियर सर, कि इवन पीपल हु बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू गेट द वैक्सीन फीलिंग वेरी स्केर्ड. सो सर आपकी क्या थिंकिंग है उसके बारे में? जब मैंने कोविड मेरे को होगा, सबसे पहले मुझे ये देखना है कि अगर मेरे को कोविड हो गया तो मेरा खतरा कितना है। व्हाट आर द जी चांसेस ऑफ मी एक्वायरिंग ए निमोनिया और मेरे मरने के कितने चांसेस हैं, कि पहला सवाल हर आदमी के मन में आएगा। और जी फिर मेरे सर को पोस्ट कोविड 6 महीने बीमारी होने के कितने चांसेस हैं। रिमेम्बर हम क्या दे रहे हैं, अभी अभी भी हम आपको कोविड ही दे रहे हैं, नेचुरल कोविड से मरा हुआ वायरस दे रहे हैं। जिंदे सांप के बदले हम आपको सांप तो आपकी बॉडी में डाल रहे हैं जिसका हमने कटवा तो रहे हैं लेकिन उसमें जहर नहीं है। तो आपकी बॉडी के अंदर में जो रिएक्शन आएगी वो तो आएगी, मरे हुए वायरस से भी आएगी, या फिर वायरस का एक मुंडी काट के आपके शरीर में डाल रहे हैं जिसे हम स्पाइक प्रोटीन बोल रहे हैं। तो बॉडी में रिएक्शन तो हम कर ही रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर में। सो वैक्सीन इज नॉट लाइक कि पानी दे रहे हैं, पानी थोड़ी डाल रहे हैं हम आपको, मरा हुआ वायरस डाल रहे हैं या फिर स्पाइक प्रोटीन डाल रहे हैं। सो वी आर कन्वर्टिंग द डिसीज इनटू ए माइल्ड डिसीज विद एन अजम्पशन कि आपके जो पुलिस इकट्ठी होगी वो आपको आगे के लिए बचाएगी। अब आप जरा सा भी, अब जैसे जो नॉर्वे में हुआ 29 पीपल डाइड, वो लोग जरा सा भी फीवर सहन नहीं कर पाए, वो लोग जरा सा भी वो फ्रेल थे। और हमें तो हमेशा से बचाया जाता है कि फ्रेल लोगों को हम मरा हुआ वैक्सीन देंगे। आप उनको मेडोर्ना या फाइजर वैक्सीन लगा रहे हो फिर तो वो हल्की सी बीमारी भी सहन नहीं कर पाएंगे। सो इस वैक्सीन से आप सीवियर बीमारी के बदले हल्की बीमारी दे रहे हो। और बूढ़े फ्रेल लोगों को तो हम मरा हुआ वायरस देंगे ना, हम मेडोर्ना फाइजर नहीं लगाएंगे। तो उनकी च्वाइस ऑफ वैक्सीन गलत थी, और अगर उनकी डेथ हुई दैट वॉज ए रॉन्ग च्वाइस ऑफ वैक्सीन, नॉट बिकॉज की वैक्सीन ने मार डाला। सो आई डोंट थिंक सो। इंडिया के जो दो वैक्सीन है, कोवैक्सीन है और कोविशील्ड है, दोनों सेफ हैं। यस, जो फ्रेल हैं, जो डेबिलिटेटेड हैं, जो बिल्कुल जरा सा भी वायरस को सहन नहीं कर सकेंगे उन्हें फिर कोवैक्सीन मिलेगा, बाकी सबको कोविशील्ड मिलेगा। अगर आप ये बोलो कि 10 साल के बाद में मेरा शरीर मंकी जैसा हो जाएगा क्योंकि ये मंकी का वायरस है, अरे भाई ये मंकी मंकी नहीं है, मंकी के जीन्स नहीं डाल रहे आपको, ये वो वायरस है जो मंकी को जुकाम करता है। तो मंकी के जीन थोड़ी आप में डाल रहे हैं कि आपके जीन बदल जाएंगे, कि आपका शक्ल बदल जाएगी। ये सब चीजों को पढ़ना भूलो भूलो। क्या आपने आज तक कभी सोचा है कि कुत्ते ने काटेगा और इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे? हैव यू एवर थॉट? आप भागते हुए जाते हो लगाओ, डॉक्टर कहता है जरूरत नहीं है, फिर भी आप बोल देते हो लगाओ 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 लगाओ। क्या आपने कभी सोचा है कि टेटनेस, आप कहीं गिर गए और आप टेटनेस का इंजेक्शन नहीं लगाते तो इसके बारे में क्यों सोच रहे हो? ये भी उतनी ही खतरनाक है जितना कि टेटनेस है। अगर किसी आदमी को हो गया तो उतना ही खतरनाक है। सो आई डोंट थिंक सो देयर शुड बी एनी रीजन नॉट टू गेट द वैक्सीनेशन डन। एक्सेलेंट